हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका कुकुस किचन में। आज मैं आपको मीठी सेवैया बनाना सिखाऊंगी, जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो शुरू होने के पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसके लिए मैं एक पैन में घी गरम कर रही हूँ। इसके बाद जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाएगा, मैं थोड़े ड्राई फ्रूट्स इसमें सेक रही हूँ। काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल है, आप उन्हें अच्छी तरह से इसमें सेक लें। अब जो भी सेवैया आपके पास में हो, उन्हें एक पैन में घी गर्म करें और उसमें थोड़ा हल्का गोल्डन कलर होते तक के उस सेवैया को अच्छी तरह से सेक लें। मेरे पास आज ये बहुत ही महीन वाली सेवैया है, इसे मैं आज बना रही हूँ। आप कोई सी भी सेवैया बना सकते हैं, जो भी आपके पास में है, मोटी बारीक जैसी भी हो, सभी को इस तरह से हम बना सकते हैं। सेवैयों को अच्छे से सेक ले। जिस तरह से ये सेवैया देख पा रहे होंगे आप, गोल्डन कलर हो चुका है हमारी सेवैयों का। अब मैं इसे एक प्लेट में बाहर निकाल रही हूँ। पूरी सेवैयों को अच्छी तरह से बाहर निकलने के बाद में थोड़ा सा नारियल मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे मैं थोड़े से घी में और सेक रही हूँ। इसका कलर चेंज होते तक के हमें सेकना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं सेकना है, नहीं तो टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। अब हम कढ़ाई में एक गिलास लगभग दूध लेंगे और उसे अच्छी तरह से गर्म करेंगे। हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर रहे हैं, इससे जो टेस्ट है वो और भी अच्छा लगता है हमें। आपको जिस तरह का टेस्ट पसंद है मीठे में, उसके अकॉर्डिंग आप शुगर उस दूध में ऐड कर दीजिए। अब जो दूध है हमारा, जिसमें हमने शक्कर डाली है, उसे गर्म होने दें। तब तक के एक कप में जो है ठंडा दूध ले और एक चम्मच कस्टर्ड पाउडर, जो जो भी फ्लेवर का आपके पास अवेलेबल है, उसे उस दूध में अच्छी तरह से मिक्स करें। ध्यान रहे दोस्तों कि जो कस्टर्ड पाउडर जब आप दूध में मिलाएं तो उसमें गांठें नहीं रहनी चाहिए, वो अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए। उस कस्टर्ड पाउडर को हम इस कढ़ाई में जो दूध गर्म कर रहे हैं उसमें बहुत धीरे धीरे करके डालेंगे, इकट्ठा नहीं डालना है हमें दूध को, नहीं तो जो हमारा जो दूध गर्म हो रहा है उसमें गांठें बनने लगेगी और कस्टर्ड पाउडर नीचे चिपक जाएगा, तो टेस्ट भी हमारा अच्छा नहीं लगेगा हमें। तो बहुत धीरे धीरे आप मिलाते जाएं, कस्टर्ड वाला जो मिल्क है दूध में डालकर, धीरे धीरे डालकर इसे मिलाते जाएं। आपको कंटिन्यूसली ये मिलाते रहना है। इलायची पाउडर डाल दें और अब जो हमारा कस्टर्ड पाउडर जो है हमने सारा मिक्स कर दिया है, इस मिल्क को अब हम थोड़ी देर उबाल आने तक के गर्म करेंगे। और आप देखोगे कि जो हमारा मिल्क है वो अब थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, इस तरह का वो दिखने लगेगा आपको। अब इसमें मैं जो हमने सेवैया सेक के रखी है उन सेवैयों को इसमें मिला दूंगी। आप चाहो तो एक कटोरी में इन सेवैयों को लेकर और फिर ऊपर से थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड मिल्क डालकर और जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें ऊपर से डालकर भी सर्व कर सकते हो। आज मैंने सारी सेवैया जो है कस्टर्ड मिल्क में ही डाल दी है और अब मैं ड्राई फ्रूट्स मिला रही हूँ। इसके बाद जो है हम इसे एक कटोरी में निकालेंगे, ऊपर से और थोड़े ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और फिर इसे खाएंगे। तो आपको हमारी ये सेवैयों वाली रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।